गोलगप्पे बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप सूजी और 1 कप आटा और 1/4 कप हमने कॉर्न स्टार्च लिया है। कॉर्न स्टार्च यानी मक्के का आटा जो होता है, वाइट कलर का जो मिलता है। और ये हम लेंगे बेकिंग पाउडर, ये हम लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो हम सबको डाल लेते हैं, आधा कप सूजी, 1 कप आटा और ये 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। अब हम आधा टी स्पून ये बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, इस पे थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है ये। अब अच्छे से इस पाउडर को अच्छे से हम मिक्स होने तक मिक्स करेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच घी, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अब हम गूंद लेते हैं। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से ऐसे मुट्ठी मुट्ठी बना के। अब हम इसको पूरा अच्छे से टाइटली गूंद लें, टाइट गूंदना है इसे हमें। अब इसको मसल लेते हैं थोड़ा अच्छे से 5 मिनट तक। अब इसको गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं। इसको आधा घंटा हो गया है। अब थोड़ा से पहले अपन इसको मसल लेते हैं, फिर सारी पूड़ियाँ बेलेंगे, मतलब बताशी बेलेंगे इसकी। या तो हम कोई चकले पे या किसी पट्टे पे कर लें, या हम काउंटर पार्ट पे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा बने। अब हम एक तरीका ये हमारा कि एक लोई बड़ी लेके और उसको बेलें, या फिर हम छोटे छोटे बॉल्स काट के अलग अलग गोलगप्पे की शेप्स बनाएं। उसमें बहुत छोटी छोटे बनाने पड़ेंगे, तो हम एक ही को करके इस ढक्कन की सहायता से उनकी शेप्स देंगे। तो आइए इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने घी लिया है, घी या तेल आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको लेके और बेल लेते हैं। क्योंकि अगर हम बिना कुछ लगाए बेलेंगे तो वो बताशी इसकी चिपक जाएगी और फिर उतरेगी। रुको, बेल लिया है। अब ये ढक्कन लेके मैं सारी शेप्स दे देती हूँ। ये काट लिया है और ये साइड वाला हम ऐसे हटा लेते हैं। देखिए इसकी थिकनेस इतनी है, मतलब पतला ही है। ये पतला ही है, पतला नहीं रखेंगे हम तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब ये बची हुई लोई को और बनाते जाएंगे बाद में। अब हमें क्या करना है, एक मैंने ट्रे ली है, इस ट्रे में गीला कपड़ा लेना है। गीला मतलब ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हल्का नमी वाला, जिससे हमने ढका था उसको ही थोड़ा सा और वेट किया है। और एक एक करके इसमें रखेंगे और इसी गीले कपड़े से हम ढक देंगे। इससे ये होगा, इसे हम इसलिए ढकेंगे जिससे ये फूले और आटा जो हमने ये लोइयाँ बनाई हैं ये सूखे ना। बाकी भी हम ऐसे लोई बना बना के सारी कर लेते हैं। ये छोटी छोटी लोई बना के भी हम बना सकते हैं, ये एक और ऑप्शन है। तो हम थोड़ा सा घी ले लेते हैं और पतली पतली बताशी, बस इसको 2 बार बेलना है, 1 2 इधर से फिर यूँ करके 1 2, बस इतना इतना सा बनाना है और इसको फ्राई करना है। लकड़ी के पट्टे पे बेलने का वजह ये है कि ये आराम से उतर जाती है। तो अगर हम पतला थिन बेलते भी हैं तो जब हम काटने के बाद इसको उतारेंगे तो ये आराम से निकल निकल के आ जाएंगे। नहीं तो अगर चिकनी जगह पे, चिकनी सतह पे बेलेंगे तो वो उतर के नहीं आएंगे। गई है, अब देखिए ये आराम से इसमें चकले पे से उतर रही है, क्योंकि ये लकड़ी का है, ग्रेनाइट मार्बल का पत्थर का थोड़ा उतरता नहीं है, चिकना रह जाता है। तो ये आराम से इसमें से उतर रही है। इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं। अच्छे से हीट होना चाहिए और तेल को कढ़ाई में काफ़ी अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे रहेगा तो फूलेंगे नहीं। टेस्ट करने के लिए डाला था,
तेल गरम हो गया है। अब ये एक एक करके डालेंगे हम हाई फ्लेम पर। तेल को हमने खूब गरम कर लिया है और हाई फ्लेम पर डाला और ऊपर से इसे दबाना है। और देखिए फूल गई है। अब इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे हम, जिससे ये अच्छी करारी हो जाए। और हम डालते जाते हैं और उतारते जाते हैं। हमने करीब 5 से 7 डाल दी है, तो ये अभी जब तक ये लाल नहीं होंगी तब तक नहीं उतारूंगी। मैंने इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया है, अब ये रेड होने नहीं देती हूँ, फिर ये क्रिस्पी हो जाएंगे। हो गई है, अब मैं इसे उतार लेती हूँ। इसमें एक बात का ध्यान रखना है हमें कि ये लाल होनी चाहिए और पतली। देखिए अब ये लाल हो गई हैं तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। देखिए एकदम लाल और पतली बनी है। अब गोलगप्पे के साथ हम पानी भी बनाएंगे। तो पानी बनाने के लिए हम सबसे पहले, हमारे पास हनी की चटनी थी उसको पीस के अब हमने उसमें हरी मिर्ची का तीखा पानी कर दिया है। इसको चटनी हमारे पास थोड़ी सी थी तो हम इसको हरा पानी बनाने के लिए चटनी यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम पूरा एक जार भर के इसमें पानी डालें, ठंडा ठंडा पानी है। अब हम चटनी को हटा देते हैं और सारे मसाले डालते हैं। डाल रही घर में इमली की चटनी बना रखी है तो इसको हम डालें। हम इमली का पानी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच डालेंगे करीब। अब हम डाल रहे हैं चाट मसाला। चाट मसाला हम 1 टीस्पून जैसा डालेंगे। 1 टीस्पून जैसे चाट मसाला मैंने डाल दिया। अब इसमें डाल रहे हैं काला नमक। काला नमक डाल दिया। अभी घर में चिक्का जीरा होता है वो डाल रहे हैं। पुदीना हमने चटनी में डाल रखा था, ये चिक्का जीरा डाल दिया है। और अब हम डाल रहे हैं नमक और लाल मिर्ची। मैंने काला नमक डाला है इसलिए 1/2 टीस्पून। सिंपल सॉल्ट डाला है मैंने और 1/4 टीस्पून। ये खट्टा पानी मेरा रेडी हो गया है, तीखा और खट्टा। घर में अगर इमली ना हो तो हम बिना इमली के भी नींबू से भी बना सकते हैं, और अगर इमली हो तो इमली का पल्प निकाल के उसका रस भी इसमें डाल सकते हैं। आलू का मसाला बना लेते हैं। ये सिर्फ मैंने 2 आलू लिए हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें 1 प्याज है बड़ा और हरी मिर्ची, 1 बड़ा प्याज और हरी मिर्ची इसमें डाल देती हूँ मैं। ये मैं नाप ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून का नाप है। अब इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ काला नमक। जो हमने पानी बनाने में मसाले काम में लिए हैं वही मसाले इसमें भी काम आ जाएंगे। तो ये मैं 1/2 टीस्पून, क्योंकि 2 ही आलू है तो 1/2 टीस्पून। अब ये डाल रही हूँ चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। सिक्का जीरा, लाल मिर्ची हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं 1/2 टीस्पून से भी कम डाल रही हूँ। अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट टू टेस्ट, क्योंकि काला नमक डाला है हमने। तो चलिए इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा हरा धनिया भी और डाल देते हैं। तो ये मेरा मसाला रेडी है। तो हम इन गोलगप्पा को बनाने में थोड़ी सी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो पतले बनने चाहिए, गरम आंच पे डालें और मीडियम आंच पे इसको सेकें जब तक ये रेड ना हो, क्योंकि रेड होंगे तभी ये करारे बनेंगे। इसलिए तो गोलगप्पे आर रेडी, एकदम तैयार हैं। ये पहले दिन ही हम खा रहे हैं, देखिए कितने करारे बने हैं। अब इसमें हम आलू का मसाला भरते हैं और पानी में डिप करेंगे और इसे खाएंगे। ठीक, कितने करारे हैं। ओके,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा।